नौवें पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिल्ली दिती गई सी, जिस दे संबंध दे विच भाई जेता जी दिल्ली तो कीरतपुर साहिब विखे गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेके आए सी। ए ओ गुरुद्वारा साहब है जिथे भाई जेता जी शीश लेके आए सी। अज शीश लैन तो बाद उसी याद नूं मुड़ तो ताजा करते हुए अज श्री कीरतपुर साहिब विखे नगर कीर्तन दिल्ली तो चल के इत्थे पुज्जिया, जिसका अगला पड़ा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब श्री आनंदपुर साहिब विखे होएगा। तो इस दे नाल ही अज जिस तरह तुसी वेख सकते हो गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहिब दी तस्वीर जो नगर कीर्तन भाई मेजर सिंह जी लैके आए सी, वह नगर कीर्तन की आरंभता की अरदास कीरतपुर साहिब तो हैड ग्रंथी जोगिंदर सिंह जी तख्त श्री केसगढ़ साहब के जो हैड ग्रंथी ने उन्होंने की है। तो यह नगर कीर्तन नहंग सिंह जथेबंदियों वालों महल्ले के रूप के आनंदपुर साहब गुरुद्वारा शीशगंज साहब तक जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे पावन चरना कमला पास अरदास बेनती है जी। ठीकर भोर दिल्ली ससरा प्रभपुर किया प्यारा तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन हो आर तेग बहादुर के चलता भयो जगत को शोक है सब जग गयो जय 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 सुरलोक। ऐसे दीन दयाल सतगुरु नौवे पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज आप जी ने हिंदू धर्म की राखी दे लई अपने शीस का बलिदान दिल्ली ने चांदनी चौक विखे दिता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दिल जन राखे धन धन सतगुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी के शहीद दिहाड़े तो उपरंत जो नगर कीर्तन हर साल ही गुरुद्वारा साहिब चांदनी चौंक मोगे तो आरंभ होता है और जिस रस्ते तो जो श्री आनंदपुर साहिब जी विखे स्थित है उत्थे नगर कीर्तन की जाके तो संपूर्णता होंगी है। और इस तो बाद अज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब श्री आनंदपुर साहिब जी विखे बहुत महान गुरमुख समागम इसकी आरंभता तकरीबन 11 बजे हो जानी है और 3 बजे तक गुरमुख समागम जोड़ा वो चलता रहेगा, जिस में पंक्ति में बहुत ही महान शख्सियतें पहुँच रही ने। समुचिया संगतों को बेनती है कि इस महान नगर कीर्तन और महान गुरमुख समागम शामिल होकर अपने जीवन में सफलता करने का यत्न करिए। समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज तुसी सारे दर्शन कर रहे हो कि किवें अज संगत विराग अंदर वख वख जिहड़ियां साडी जंक्शन जथेबंदियां सारियां अते होर संगतां महापुरश इस मौके ते जिवें उस समय धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस लै के दिल्ली तो कीरतपुर साहब विखे पहुँचे सी अते कीरतपुर साहब तो अगे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज माता गुजरी जी माता नानकी जी अते समुचे संगतां दे समेत इत्थों सतगुरां दे सीस लै के वह श्री आनंदपुर साहब गए सन कीरतपुर साहब तो। उस तरह हर साल रवायत मुताबक जो निहंग सिंह जथेबंदियां बहुत वड्डे पद्धर ते बाबा मेजर सिंह बाबा बलदेव सिंह वल्ला इन्हां दी अगवाई दे विच अते होर जो सिखां दे जो दल पंथ है बाबा गज्जन सिंह जी बाबा बकाला वाले वह भी पहुँचे है। सो सारिआं दी इह अज इत्थों चल के श्री आनंदपुर साहब ये नगर कीर्तन आरंभ होया। इस नगर कीर्तन दे विच बहुत ही माहौल जिहड़ा वा वह विरागमई है क्योंकि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीस जो इतों गया सी ता उस समय इस तरह का वातावरण सी उस वो वातावरण संगत को याद आता। सो इतों चल के इस नगर कीर्तन ने गुरुद्वारा शीशगंज साहब विखे पहुँचना जिथे
अज श्री खटपट साहब के भोग पैने हैं, भोग उपरंत गुरमत समागम होणगे जिन्हां विच जिथे ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी महान साडे पहंदे जो कथावाचक हैं उन्हां दे नाल भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले उन्हां दे नाल भाई साहब अपने भाई दविंदर सिंह जी सुहाणे वाले होर बड़े पहंदे महान राग गुरु घर के कीर्तनीय विद्वान जिहड़े पहुँच रहे हैं उत्थे साडे मानयोग सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब एडवोकेट प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और होर सारे जिहड़े वह भी पहुँच रहे हैं। सो मैं समझदा कि अज का यह दिहाड़ा सिख पंथ लई एक बहुत महान इतिहासिक दिहाड़ा जिस दिन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इतने शीश का संस्कार शीश गंज जी अस्थान पर किया उत्थे नाल दी नाल भाई जैता जी ने बहुत वड्डा मान रंगरेटे गुरु के बेटे दे के बहुत वड्डी एक क्रांतिकारी जिहड़ी गलबात की शुरुआत की सी उह दिहाड़ा अज सानू याद दवा रहा सारिया संगतां इन्हां समयां नू याद करके सतगुरु जी दे आदेशां दे चलण दा जतन कर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म की चादर धन धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का पावन शीश मारक यात्रा जो हर साल ही धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी के शहीदी गुरपुरब वाले दिन गुरद्वारा शीसगंज साहब चांदनी चौक नवी दिल्ली तो आरंभ हुंदी है ते उन्हां पड़ावां दे राही जिन्हां रस्तियां तो साहिब बाबा जीता जी धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का पावन शीश लै कर करके रात दे विश्राम करते हुए तख्त श्री केसगढ़ साहब श्री आनंदपुर साहब के नज़दीक बने हुए गुरद्वारा शीसगंज साहब पावन स्थान पर आए सन। सो अज कल रात तो कीर्तपुर साहब नगर कीर्तन शीश मार्ग यात्रा इतने पहुंची सी। सो जो हुण अपने अगले पड़ावन गुरद्वारा बबानगढ़ साहब तो गुरद्वारा शीसगंज साहब श्री आनंदपुर साहब के संस्कार दिवस वास्ते चाले पाए हैं जिस दे विच मानयोग सिंह साहब जहेदार बाबा गज्जन सिंह जी मिशन शहीदा तरना दल मुखी श्री बाबा बकाला साहब अचेचे तौर पर संगतों के हाजरी लगा वास्ते पहुँचे हैं। मानयोग सिंह साहब जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी मैनेजर साहबान रंगरेटा दल समुचिया मिशलों के जहेदार साहबान इतने हाजिर हैं। सारे वालों आई गई संगतान जी आया मानयोग सिंह साहब जहेदार बाबा बलबीर सिंह बुढ़ा दल पंजवा तख्त जहेदार बाबा जस्सा सिंह जी भी हाजिर हुए हैं। सारिया का धन्यवाद, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। जो पावन शीश मार्ग यात्रा है ये हर साल ही सतगुरों के पार बख्शे सदका रंगरेटा दल दिया मिसलों के जहेदार साहबाना वालों आरंभ की गई थी जो आने वाले समय के 2025 के सतगुरों का पावन 350 साल शहीदी शताब्दी समागम आ रहा है उसमें समर्पित है। जो यात्रा का शीश मार्ग का वेरवा सी रूट सी उसनों इसे करके मानयोग सिंह साहबाना के आदेश के मुताबिक थोड़ी अदला बदली करके इस बारी गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब तो होंदे हुए चमकौर साहब तो होंदे हुए कीर्तपुर साहब पहुँची है ता जो 2025 के सतगुरों का 350 साल शहीदी शताब्दी समागम गुरपुरब आ रहा है उसकी जानकारी संगतां तक पहुँचाई जाए और संगतां नूं इस गल का एहसास हो 350 साल शहीदी गुरपुरब जिहड़ा बड़ी शरधा नाल मनाउणा है। इस करके सारिया रंगरेटा दल दीआं मिसलां दे जहेदार साहबान इस जिहड़ा कार्ज नूं हर साल करदे आ उन्हां वल्लों सिंह साहब के आदेशों मुताबिक इस साल भी बहुत वड्डे पद्धर ते जिहड़ा कार्ज कीता गया। वाहिगुरू जी का खालसा। Thank you.
कैमरामैन जतिन कुमार के नाल चवेश लटावा श्री आनंदपुर साहब।